अजनी पुलिस थाना अंतर्गत नाले की जमीन को प्लॉट बनाकर बेचने का धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस संदर्भ में पुलिस ने फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अजनी थाना अंतर्गत बाबुलखेड़ा में पति पत्नी द्वारा नाले की जमीन को प्लॉट बताकर 15,70,000 रुपए में बेच डाला। इस धोखाधड़ी मामले में आरोपियों ने सुयोग नगर निवासी सुरेश सावजी हांडे और अर्चना सुरेश हांडे शामिल है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर्स कॉलोनी छत्रपति नगर निवासी संजय हिम्मतराव पन्ना से उम्र 56 को प्लॉट लेना था। इसी दौरान उनका संपर्क सुरेश और अर्चना से हुआ। दोनों ने संजय को मौजा बाबुलखेड़ा में जयवंत कोऑपरेटिव सोसाइटी में खसरा नंबर 87 का प्लॉट दिखाया। दोनों यह बात अच्छे से जानते थे कि नक्शे के अनुसार प्लॉट नाले की जमीन है। बावजूद इसके पति पत्नी ने संजय को इसे खाली प्लॉट बताकर 15,70,000 रुपए में सौदा किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी ने अधिक जानकारी साझा की। साइट विनोद चौधरी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। फिरियादी को सच पता चलते ही उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिरियादी है संजय हिम्मतराव पन्ना से, शिक्षक है, छत्रपति नगर में रहते हैं। इन्होंने आरोपी सुरेश सावजी लांडे, अर्चना सुरेश लांडे, सुयोग नगर में रहते हैं, इनके पास से जयवंत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खसरा नंबर 87 मौजा बाबुलखेड़ा में, यहाँ पर इन्होंने 2011 में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट को उन्होंने आरोपी ने फिरियादी को सभी डॉक्यूमेंट बना के दिए। उसके बाद में जब अभी फिरियादी वहाँ पे घर बनाने के लिए गए तब उनको वहाँ पे वो प्लॉट ही नहीं दिखा। तब उन्होंने आरोपी से पूछताछ किया कि ये प्लॉट कहाँ है। तो प्लॉट एक्चुअली में लेआउट में वो नाले में, वहाँ पे नाला बन गया था, वहाँ पे नाला तैयार होने की वजह से वो प्लॉट डिस्ट्रॉय हो गया था। ये बात आरोपी को मालूम थी कि उनका प्लॉट जो है वो नाले में जा चुका है। फिर भी ये बात उन्होंने मालूम होते हुए भी फिरियादी को वो प्लॉट बेचा है और उनकी वाली पसंद किया है। प्लॉट वो 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। नहीं, इनके ऊपर ऐसा पहले कोई मामला दर्ज हुआ नहीं है। इनके ऊपर पहला मामला दर्ज हुआ है और अभी हम लोग इसका तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट, 20 से न्यूज़ नागपुर।